मटन बनाने का ना बिल्कुल अलग और आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन इसका स्वाद जो है ना बिल्कुल लाजवाब है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आशा का किचन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 किलो मटन लिया है मैंने, जिसको अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया है। इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में ही ऐड कर देंगे नमक। तो नमक मैंने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच डाला है। इस तरह से मटन बनाइएगा ना तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। साथ में ही ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। तो लहसुन की कली मैंने डाला है और अदरक घिस के डाला है। लहसुन का कली मटन में डालिएगा ना तो मटन का जो स्वाद है बहुत अच्छा आता है। 2 छोटी चम्मच मीट मसाला ऐड कर दिया है मैंने और 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। जो मटन है ना लहसुन से ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, तो मटन में लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब हम लोग सारे मसाले को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ना इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ना एक साइड में रख देंगे। मटन हमारा जब तक सेट हो रहा है मसाला बना लेंगे। तो 1 कटोरी में ना मैंने 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर ले लेंगे, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 1 छोटी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। तो मिर्च हमने मटन में भी डाला है तो तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। साथ में ही ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी मिर्च डाला है मैंने, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 2 गांठ लहसुन का है जिसको बारीक घिस करके डाल देंगे और 2 इंच अदरक है इसको भी मैंने बारीक घिस के डाला है। साथ में ऐड कर देंगे पानी और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो मैंने कहा ना अदरक और लहसुन जो है ना मटन में ज़्यादा जाता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा। मसाले को ढक देंगे। दूसरी तरफ ना प्रेशर कुकर में मैंने तेल पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है, इसमें हम लोग डायरेक्ट डालेंगे मटन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। मटन को पकाने के लिए ना हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जो मैरिनेट करते वक्त ऑयल डाला था ना हमने मटन में, प्लेट में रह गया है, इसे हम लोग मटन के साथ ही ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसमें ना 2 से 3 तेजपत्ते तोड़ करके डाल देंगे। इसका ढक्कन लगा के ना मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 सीटी आने तक मटन को पकाएंगे। मटन हमारा जब तक पक रहा है ना तब तक हम लोग दूसरी साइड क्या करेंगे ना मसाला तैयार कर लेंगे। 1 बड़ी सी कढ़ाई में ना 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। फ़ौरन में डाल देंगे 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, थोड़ा सा जावित्री और आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 गांठ बड़ा सा लहसुन का है इसको भी फ़ौरन में ज़रूर से ऐड कीजिएगा। 400 ग्राम प्याज लिया है मैंने जिसको फ़ौरन के साथ ही ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है ना प्याज को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेना है ताकि जो प्याज है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो जो प्याज है ना हमने उसे अच्छी तरह से भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम लोग ना फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू लो कर देंगे और डाल देंगे मसाला जो हमने घोल तैयार किया था। 2 से 3 चम्मच मैंने पानी ऐड कर दिया है, साथ में ही डाल देंगे नमक। तो नमक हमने मटन में भी डाला है, यहाँ पर सिर्फ प्याज के हिसाब से ही नमक डालना है हमें। अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर देंगे प्याज के साथ, मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक करके मसाले को पकाएंगे। इधर हमारा जो कुकर है ना 3 सीटी लग चुका है, फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ना ठंडा होने के बाद ही खोलेंगे। तो जो कुकर है ना ठंडा हो चुका है, इसका ढक्कन हटा करके ना मटन को चेक कर लेंगे। तो हमें ना बहुत ज़्यादा मटन को नहीं पकाना है, 80% ही मटन को पकाना है। तो मटन में हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, बट जो मटन का पानी है ना बहुत सारा रिलीज़ हुआ है, इसी से हमें मटन को पकाना है। इधर हम लोग मसाला चेक कर लेंगे। तो जो मसाला है ना पक चुका है, इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, इसे एक बार अच्छी तरह से फिर से भून लेंगे। भून लेने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे मटन। तो मटन को डालते वक्त ना हमारा फ्लेम मीडियम टू लो ही रहना चाहिए और मीडियम टू लो फ्लेम पे ना हमें मटन को मसाले के साथ भूनना है। इसमें हमें अलग से पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, जो मटन का पानी था ना वही ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद ढक करके कम से कम 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो भी मसालों के फ्लेवर है ना अच्छी तरह से मटन के अंदर तक पहुंच जाए और उतर जाए। तो जो मटन है ना हमने अच्छी तरह से भून लिया है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जितने मसाले हैं ना अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं मटन के ऊपर। अब हम लोग डालेंगे इसमें पानी। तो ग्रेवी ना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाला है 3 कप और फ्लेम को हम लोग बढ़ा देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ना 2 मिनट के लिए फिर से मटन को पका लेंगे ताकि जो ग्रेवी है ना अच्छी तरह से मसालों के साथ सेट हो जाए और जो मटन है वो भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। ढक देंगे तो मटन जो है ना हमारा बन करके तैयार है। आप देख पा रहे होंगे देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसमें हम लोग डालेंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया। तो इस मटन की रेसिपी में ना टमाटर नहीं जाता है, बट अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मटन करी बनाइएगा ना तो मेरी गारंटी है आपको पसंद आएगा।
इसको आप चाहे ना तो पूरी, पराठे, नान किसी के साथ खा सकते हैं, बट मटन ना चावल के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने मटन को चावल के साथ सर्व किया है। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।